सैनिक कल्याण निदेशक हमीरपुर में जेयू के पद पर दो दिनों पर चली इंटरव्यू प्रक्रिया के अंतिम दिन टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई। टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया में 297 पूर्व सैनिकों को बैच आधार पर इस प्रक्रिया के चलते टाइपिंग टेस्ट दिया। 885 पूर्व सैनिकों में से जो क्लर्क पद के लिए भी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। भर्ती के दौरान 10 मिनट में एक पैराग्राफ अंग्रेजी में टाइप करना था। देर शाम तक ये पूर्व सैनिकों के टाइपिंग टेस्ट चले। जेयू के 250 पदों पर इस भर्ती के लिए प्रदेश के सभी जिलों के पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। दूसरी ओर इस संदर्भ में सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एस के वर्मा ने बताया कि दो दिनों तक जेयू के पदों की भर्ती के लिए 297 पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस भर्ती प्रक्रिया में 10 मिनट में ही अंग्रेजी में पैराग्राफ टाइप करना था। क्रमवार इस पैराग्राफ को लेकर प्रत्येक पूर्व सैनिकों को अलग अलग प्रकार से निर्धारित किया गया था। पूर्व सैनिकों के प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की जेयू श्रेणी के 250 पदों पर इंटरव्यू के माध्यम से भरा जाएगा। टाइपिंग टेस्ट व इंटरव्यू कमेटी मेरिट के आधार पर यह परिणाम घोषित करेगी। पास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के तकरीबन 250 के करीब पद हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, पीईटी, ड्राइंग मास्टर, सर्वेयर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल के भी काफी पद हैं। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को छोड़ के बाकी जितने पद हैं उसके लिए हमने 10 और 11 तारीख को पूर्व सैनिक बुलाए हैं। जो कुछ पोस्ट है हमारी स्टेट लेवल की हैं, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो है वो स्टेट लेवल की पोस्ट है, तो इसके लिए हमने सभी जिलों से 12 जिले जो हिमाचल के हैं वहां से पूर्व सैनिक बुलाए हैं। इसमें से आधे हमने 2 तारीख को किए और बाकी बचे हुए आज। 2 तारीख को चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर के मुख्यतः जो कैंडिडेट उनको बुलाया था, और आज शिमला, सोलन, मंडी, ऊना और बाकी जो बचे हुए जिले हैं।